नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। मणिपुर में कोविड 19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई। जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का आज से शुभारंभ। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है और श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ दल ने संसदीय चुनावों में भारी जीत दर्ज की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें समग्र शिक्षा, बहुविषयी और भावी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित वरिष्ठ शिक्षाविद और वैज्ञानिक इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारकों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। केंद्र ने हर घर जल के लक्ष्य के अंतर्गत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और समुचित जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। देश में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों को ही नल से जलापूर्ति हो रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की कमी वाले 256 जिलों और 1500 से अधिक ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले केवल 16% परिवारों को ही नल से जलापूर्ति होती थी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद देश में 25% परिवारों को नल से जलापूर्ति हो रही है। देश में जो पीने का पानी घर तक पहुंचने का स्तर अभी 16% तक था, उसको आगामी 5 वर्ष में 2024 तक 100% के लक्ष्य के साथ पूरा करें। इस दृष्टिकोण से योजना प्रारंभ हुई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष में हमने उसमें आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त की है। जहां प्रारंभ के स्तर पर लगभग 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, अब हम लगभग 25% के आंकड़े तक पहुंचने में सफल हुए हैं और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में राज्यों के सहयोग से हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को पानी भरकर लाने की परेशानी और पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। वे श्री राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी श्री मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर सरकार ने कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में जारी पूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए समूचे राज्य में पिछले महीने की 23 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही थी।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में कल शाम कोविड संकट पर विचार करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इनमें पहले से जारी लॉकडाउन को इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कुछ रियायतें दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें सभी जिलों में रविवार को छोड़कर हर रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 1034 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.21% हो गई है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल एक ही दिन में सामने आए संक्रमण के 1034 नए मामलों में से सबसे अधिक 184 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद शहर में 137 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 67,818 हो गई है। राज्य में इस वक्त 14,905 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 82 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कल 917 मरीजों को छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 50,322 हो गई है। कल राज्य में 27 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,584 हो गई है। राज्य में 9,03,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 24,569 लोगों का परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कल शहर के 16 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया, जबकि 22 क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया। नए क्षेत्रों में आज से घर घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि मदुरई में कोविड-19 संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और अब स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य के दक्षिणी जिलों मदुरई, डिंडीगुल और तिरुनेलवेली में महामारी की स्थिति की समीक्षा की। मदुरई में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में जल्दी ही एम्स चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बीच तमिलनाडु में कल 5,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या 2,79,000 को पार कर गई है। साथ ही 2,21,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो गए हैं। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित होने की दर पिछले कई दिनों से 9% के आसपास है। स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले सोमवार से प्रतिदिन 100 लोगों की मौत हो रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इसका कारण अंतिम समय में रोगियों का अस्पताल में आना है। इस बीच सरकार ने चेन्नई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल में उन रोगियों के लिए भोजन कराने के लिए नर्सों की नियुक्ति की है जो स्वयं से भोजन नहीं कर सकते हैं। रोगियों की भर्ती में देरी न हो, इसके लिए उनके अस्पताल आने से पूर्व की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। देश में कल लगातार तीसरे दिन कोविड-19 महामारी से संबंधित 6,00,000 से अधिक नमूनों के परीक्षण किए गए। भारत प्रतिदिन 10,00,000 परीक्षण क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। देश में प्रति 10,00,000 जनसंख्या में परीक्षणों की संख्या का औसत भी तेजी से बढ़ा है। परीक्षण, मरीज का पता लगाना और उपचार की रणनीति पर सफलतापूर्वक काम करने से देशभर में नैदानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का भी लगातार विस्तार हुआ है। देश में इस समय कोविड-19 के परीक्षण के लिए 1,370 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 921 सरकारी और 449 निजी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर कोविड-19 के लिए बनाई जाने वाली कोई भी वैक्सीन सभी को उपलब्ध कराई जाती है तो दुनिया में आर्थिक पुनरुत्थान तेजी से हो सकेगा। एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि वैक्सीन या अन्य उपकरण साझा करने से दुनिया को इस महामारी से उबरने में मदद मिलेगी।
दुनिया भर में कोविड 19 से होने वाली मौतों की संख्या 7,10,000 से ज्यादा हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड 19 के कुल मामलों की संख्या 1,89,08,111 हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,59,600 लोगों की मौत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। मणिपुर में कोविड 19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई। जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का आज से शुभारंभ। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है और श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ दल ने संसदीय चुनावों में भारी जीत दर्ज की। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन अथवा किसान रेल आज से शुरू हो रही है। ये रेलगाड़ी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी। ये रेलगाड़ी सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो लिंक के जरिए रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1519 किलोमीटर का सफर 22 घंटे में तय करते हुए किसान रेल कल शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। किसान रेल नाशिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छिमकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। किसान रेल शुरू करने के पीछे रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करना है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलगाड़ी के जरिए सब्जियों और फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार भेजने में मदद मिलेगी। किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे होंगे जिससे मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाले जिन्सों के लिए निर्बाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला कायम करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष के बजट में किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी। समारोह के दौरान देशभर के हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट से जुड़े कॉलेज, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य लोग इस समारोह में ऑनलाइन शामिल होंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होने की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जनता में हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प सैकड़ों वर्षों के गौरवशाली इतिहास में शामिल रहा है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का उपयोग करने और इसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रचार से स्थानीय कलाकारों और बुनकरों को लाभ पहुंचेगा। साथियों, भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सही और सकारात्मक दृष्टिकोण से संकट के दौर को अवसर, आपदा को विकास और प्रगति में बदला जा सकता है।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम मध्य प्रदेश में आज 17 बुनकर केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर राज्य के प्रसिद्ध मृगनयनी ब्रांड के 36 शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान भी हथकरघा उद्योग ने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प आयुक्त राजीव शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना काल के दौरान भी निगम द्वारा 300 करघों के जरिए 900 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर तक करघों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की योजना है, इससे 3000 लोगों को और रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में हथकरघा सेक्टर को भारत सरकार का बहुत समर्थन मिला है और इसलिए हमारे में कोरोना काल में भी बुनकरों को पहले से लगभग 3 गुना रोजगार हम दे सके हैं। तो हथकरघा दिवस पर हमारे हथकरघा बुनकर जो है एक पूरे भविष्य के प्रति आशंका। मध्य प्रदेश विश्व प्रसिद्ध चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों सहित कई लोकप्रिय हस्तशिल्प उत्पादों का गढ़ है। इन हाथ से बुनी सिल्क और कॉटन साड़ियों पर धार के बाग ब्लॉक प्रिंट्स और इंदौर उज्जैन के बाटिक प्रिंट भी काफी मशहूर है। मध्य प्रदेश सरकार ने बुनकरों का पारिश्रमिक भी 25% तक बढ़ा दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के म्यूचुअल फंडों या एक्सचेंज कारोबार फंडों के जरिए ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक के बेसल 3 दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक के पास ऋण पत्र है तो वे म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज कारोबार के जरिए उसके एवज में कम पूंजी आवंटित कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये फैसला मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों की पूंजी बचत में काफी वृद्धि हो सकेगी और निगमित बॉन्ड बाजार भी मजबूत होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण अनुशासन में सुधार लाने के लिए कैश क्रेडिट अथवा ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के चालू खाते खोलने से बैंकों को मना किया है। एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नया चालू खाता खोलने की जगह सभी लेनदेन नकद ऋण या ओवरड्राफ्ट खाते के जरिए किए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को चालू खाता खोलने में अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऋण अनुशासन मजबूत बनाने के लिए समुचित उपाय करने की आवश्यकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने सभी सीमा शुल्क और क्षेत्रीय कार्यालयों को देशभर में फैले गोदामों और बंदरगाहों में जमा किए गए खतरनाक या विस्फोटक सामग्री की 48 घंटे के भीतर सुरक्षा और अग्नि मानकों की जांच और पुष्टि करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन विस्फोटक पदार्थों के कारण जान या माल को कोई खतरा न हो। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम और अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले कोविड 19 के संदिग्ध रोगियों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने भारतीय चिकित्सा संघ की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोविड 19 के संदिग्ध रोगियों की शीघ्र जांच कराई जाए ताकि कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पहचान की जा सके। संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें कोविड अस्पताल में ही भेजा जाए। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 114 विकास खंडों को रेड जोन और 6 खंडों को ऑरेंज जोन में चिन्हित किया है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व में सत्ताधारी पार्टी ने बुधवार को हुए आम चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। श्री राजपक्ष की श्रीलंका पीपल्स पार्टी को 225 सदस्यों की संसद में 145 सीटें मिली हैं। उन्होंने लगभग 2/3 बहुमत हासिल किया है। पूर्व मंत्री एस प्रेमदासा के नेतृत्व वाली समागी जन बलवेगा 54 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में देश की सबसे पुरानी यूनाइटेड नेशनल पार्टी को केवल 1 सीट मिली है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव में राजपक्ष की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन श्रीलंका की चुनाव प्रणाली में उनका 2/3 बहुमत के करीब पहुंचना बड़ी जीत है।
राष्ट्रपति गोटाबेया पिछले नवंबर में अपनी जीत के बाद से ही संसद में बहुमत की वकालत कर रहे थे और इस जीत ने राजपक्षे परिवार के सत्ता पर अंकुश को पूर्ण कर दिया है। उम्मीदवारों की मतों की गिनती जारी है और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना जीत की ओर अग्रसर हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को दशकों बाद हार का मुंह देखना पड़ा है। उनकी अगुवाई वाले देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को मात्र एक सीट मिली है। प्रधानमंत्री राजपक्षे ने चुनाव अभियान के दौरान देश में नया संविधान लाने की बात कही थी और आने वाले महीनों में देखना होगा कि नए संविधान का क्या स्वरूप होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से बात की और उन्हें अपने यहां संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक कराने और जीत हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए भी बधाई दी और कहा कि इससे श्रीलंका और भारत के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों का पता चलता है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। राज्य के 16 से अधिक जिलों के 70 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। इनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले प्रमुख हैं। दरभंगा और समस्तीपुर में दो तटबंधों में दरार आने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के कई शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अब तक बहाल नहीं किया जा सका है। पूर्व मध्य रेलवे के सीतामढ़ी दरभंगा और सहरसा मानसी रेलखंड पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से कई जानवर पानी की तेज धार में बह गए। गोपालगंज और सारण के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद से 250 हिरण की जान बचाई जा सकी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसे देखते हुए अभियंताओं को तटबंधों की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में 3 दिन की भारी वर्षा के बाद मुंबई और राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन राज्य में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार कल कोकण में मॉनसून व्यापक रूप से प्रबल रहा और कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई और पृथक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई। 6 अगस्त तक अपेक्षित क्षेत्र में तीव्र वर्षा की गतिविधि में धीरे धीरे कमी देखी गई है। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 331.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अगस्त के अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 जुलाई 1974 को दर्ज 575.6 मिलीमीटर के बाद कोलाबा पर ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। IMD ने अरब सागर के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसूनी प्रभाव को भी मजबूत बताया है, जिसमें हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। मुंबई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिरने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 16 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देशभक्ति पर आधारित अपने तरह के पहले ऑनलाइन फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज से 21 अगस्त तक इस फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है।
समारोह में भारतीय इतिहास से जुड़ी स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाएगा। समारोह का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। समारोह में स्वतंत्रता दिवस की थीम पर आधारित फिल्मों का वेबसाइट www.cinemasofindia.com पर निःशुल्क प्रसारण किया जाएगा। समारोह में हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, गुजराती और मलयालम जैसी विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में दिखाई जाएंगी। समारोह में पहली बार दृष्टि और श्रवण बाधित व्यक्ति भी रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का आनंद उठा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर के स्कूलों में डिजिटल माध्यम से शिक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। करीब 2,30,00,000 छात्र और शिक्षक गूगल के शैक्षिक कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। ये कार्यक्रम कक्षा और ऑनलाइन शिक्षण का मिलाजुला रूप होगा। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य अब आसानी से चल रहा है। इस साझेदारी के तहत गूगल शिक्षा के लिए जी स्वीट, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट जैसे साधनों का उपयोग करेगा। इससे दूर दराज क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्य आसानी से चल सकेगा। इस घोषणा से जुड़े कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ से अब सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हां प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान चीन को लगा तगड़ा झटका, सुरक्षा परिषद में गिरा कश्मीर पर प्रस्ताव, जनसत्ता सहित कई अखबारों की प्रमुख खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भारत ने कश्मीर पर चीन को चेताया, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं। अमर उजाला लिखता है चीन के खिलाफ अमरीका का संदेश, भारत का साथ निभाएंगे। अमरीकी सांसदों ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर कहा भारत से रिश्तों को दोनों दलों का समर्थन। घाटी में सियासी टर्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोदी के भरोसेमंद मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में हैं। पत्र लिखते हैं श्रीनगर पहुंचे सिन्हा, आज लेंगे पद की शपथ। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है उपराज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद गिरीश चंद मुर्मू नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त। दैनिक जागरण की सुर्खी है आम कर्जदारों और कंपनियों को भुगतान में रिजर्व बैंक से मिली बड़ी राहत। हिंदुस्तान का शीर्षक है आरबीआई ने कर्ज के पुनर्गठन को मंजूरी दी, ऋण की अवधि बढ़ाकर ईएमआई घटाने की सुविधा होगी। अमर उजाला ने बताया है सोना गिरवी रखने पर अब 15% ज्यादा कर्ज, रिजर्व बैंक ने किया बदलाव, अगले साल मार्च तक मिलेगी सुविधा, अभी 75% मिलता है। नवभारत टाइम्स की खबर है और सुरक्षित होगा चेक पेमेंट, 50,000 से ज्यादा के चेक का ब्यौरा अपने बैंक को दे सकेंगे। हिंदुस्तान ने लिखा है देश में कोरोना के मामले 20,00,000 पहुंचे। दैनिक भास्कर के अनुसार पहली बार सक्रिय मरीज बढ़ने की दर गिरकर 1% हुई, अब 70 दिन में दोगुने होने लगे, जुलाई में 25 दिन में हुए थे। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी करने वाले आरोपी को पकड़े जाने और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज किए जाने की खबर नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है अयोध्या में भूमि पूजन के दूसरे दिन रामलला के दर्शन करने वाले 6 गुना बढ़े, पूजित शिलाएं सुरक्षित रखी गईं। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कल से शुरू हो जाएगा भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। मणिपुर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई। जल्द खराब होने वाले उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का आज से शुभारंभ। और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।